हरदा ब्लास्ट 11 की मौत, 200 से ज्यादा घायल। रेस्क्यू के लिए वाराणसी से आई एनडीआरएफ की टीम, खंडर कर देखने पहुंचे लोग। नमस्कार, आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज और मैं हूं आपके साथ श्वेता। तो चलिए रुख करते हैं आज की प्रमुख और बड़ी खबर पर। मध्य प्रदेश के हरदा में पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट से 11 लोगों की मौत हो गई है। जिस बेसमेंट में बारूद रखा था और मजदूर काम कर रहे थे, उसका मलबा हटाया जा रहा है। इसके लिए वाराणसी से नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स एनडीआरएफ की 35 सदस्यों की टीम आई है। फैक्ट्री से मलबा हटाने का काम रात भर चलता रहा। बुधवार सुबह कई लोग अपने घर देखने पहुंचे, वहां मलबा मिला। मंगलवार देर रात तक 204 घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। 51 गंभीर रूप से घायल को भोपाल, इंदौर और नर्मदापुरम रेफर किया गया है। कई अभी भी लापता हैं। एनडीआरएफ मलबे में दबे लोगों को निकालने में जुटी हुई है। जेसीबी और पोकलेन मशीनों से रात भर मलबा हटाया गया। बुधवार को दूसरे दिन भी काम जारी है। हालात का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बुधवार को हरदा जाएंगे। हादसे में फैक्ट्री के आसपास बने 60 घर जल गए हैं। एहतियातन 100 से ज्यादा इमारतों को खाली करा लिया गया है। हरदा एसडीएम केसी परते का कहना है कि फैक्ट्री अनफिट थी। फैक्ट्री मालिक राजेश अग्रवाल, सोमेश अग्रवाल और रफीक खान को रात करीब 9 बजे राजगढ़ जिले के सारंगपुर में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इसके खिलाफ हरदा सिविल लाइन थाने में केस दर्ज किया गया है। हरदा जिला अस्पताल में भर्ती कलाबाई ने बताया है कि मंगलवार सुबह अचानक बारूद के ढेर की तरफ वाली दीवार में छेद हुआ और पटाखे फूटने लगे। यह देख हम लोग भागने लगे, दूर कहीं पड़े थे तो एम्बुलेंस अस्पताल लेकर आई। कलाबाई फैक्ट्री की दूसरी मंजिल पर पटाखों में बत्ती बिठाने का काम करती हैं। 1000 पटाखों की पैकिंग के बदले उसे 200 रुपए मिलते थे। हरदा की रामकुमार के बेटे मुकेश और बहू उषा की मौत हो गई है। रामकुमार ने कहा है कि मलबे में बड़े बेटा बहू की मिट्टी मिली है, उसकी 3 बेटियां और 1 बेटा अनाथ हो गया है। यहाँ कौन किसका होता है। मुस्कान और उसकी बेटी परी हरदा जिला अस्पताल में भर्ती है। मुस्कान ने बताया है कि फैक्ट्री में अपना पहला धमाका होते ही बेटी को लेकर भाग निकली, इसीलिए जान बच गई। हालांकि सिर से मलबा लगने से दोनों घायल हो गई है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी किसी बड़ी और खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए द खबरदार न्यूज। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने सपनों का घर बना रहे हैं? एपी कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस आपके लिए तैयार है। मजबूत सिविल इंजीनियरिंग से लेकर आकर्षक वास्तुकला और विशेषज्ञ वास्तु परामर्श तक हम आपके सपने को साकार करते हैं। वास्तुकला, वास्तु और हुनर इतने बढ़िया, दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपने घर के डिजाइन को चमकाएं। प्लीज विजिट द माउंटेन कैफे एंड बेकरी फॉर फास्ट फूड नियर बाय सुहागी बाईपास। शिफ्टिंग की टेंशन? अब नो टेंशन। शिफ्ट गो पैकर्स एंड मूवर्स है ना, जो आपके घर के पूरे सामान के साथ आपकी बाइक व कार को सुरक्षित एवं जिम्मेदारी के साथ आपके घर तक पहुंचाता है। तो आप देख इस बात की आज ही संपर्क करें 8821000717।